अभी नहीं हुई है, जा रही एंट्री। कर्णाली ब्रिज, कर्णाली तो अजय छी दूर छो अगाड़ी नहीं छे अगाड़ी छ तुम्हें हिंदी नहीं जानते पेटीएम को मिला नहीं तो हम जा रहे हैं पहले करेंसी चेंज करने के लिए। पेटीएम भाई साहब हैं तो कुछ वो कमीशन लेकर के पैसे निकाल के देते हैं। हम फूक दो क्योंकि जो बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा है। क्यों यार कोर्ट से तो मोबाइल लेके आऊँ अपना पहले तो मैं आपको सेंड कर किस क्या क्या सिस्टम होता है। तुम फूक दो फिर पैसा लेके थे फ़ोन। कुछ भाई साहब बोल रहे थे मेरे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पान खा रखा है और उनके मुंह में इतनी स्पेस ही नहीं है कि वो मुझसे कुछ बोल पाए। चांद बाबू से मैंने कुछ करेंसी ले लिया है, अब ये करेंसी मेरे नेपाल में यूज़ होने वाली है। तो चांद बाबू ये बताइए मुझे पेट्रोल इंडिया में डलवाऊँ या वहीं डलवाऊँ? आगे चल रहा है, आगे हुआ इंडियन कस्टम्स चेक पोस्ट। अब इसके आगे होगी? अभी नहीं हुई है, जा रही एंट्री। देख लो मंजू ये बॉर्डर। बॉर्डर ऑफ इंडिया हमने नेपाल में एंट्री कर ली है। आज की ट्रिप हमारी नेपाल यात्रा है और एंट्री करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो रूल्स हैं क्या होता है क्या कराया हमने पहले भंसार बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में भंसार बोलते हैं। तो नेपाल का और इंडिया का जब बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है नेपाल का तो वहाँ पर सबसे पहले चेक पोस्ट के पर ही भंसार बोलते हैं तो भंसार कराया जाता है कुछ यहाँ का भंसार मीन्स कस्टम्स। तो इंडियन रुपीज़ तो 310 रुपीज़ है और नेपाली 500 रुपये। चीजें थोड़ी अलग है जैसे कि रिक्शा जो है हमारे यहाँ उसको लिखा हुआ है रिक्शा रिक्शा को और मैंने पीछे देखा तो रेस्टोरेंट को लिखा हुआ था रेस्टोरेंट। आप नेपाली 1500 का डालो तो 950 का हो जाएगा 931 रुपए चलेगा ना। तो आप मुझे नेपाली 1500 का डाल दो। नेपाली 1500 का मैं डाल रहा हूँ पेट्रोल और करेंसी चेंज में 931 का होगा। एक रुपए का एक रुपए 60 पैसे वो बता रहे हैं। मैं आपको ये है ना ये इधर ये आपका 100 रुपए हो वो कुछ टैक्स नहीं बता रहे हैं। मैं समझ गई हूँ। अगर आप बॉर्डर क्रॉस करने के बाद 5 किलोमीटर तक आप रेंज में रहते हैं बॉर्डर से तो आपको यातायात की रिक्वायरमेंट नहीं है। भंसार के बाद एक यातायात का कोई प्रोसीजर होता है यहाँ पर और अगर आप 5 किलोमीटर से एक्स्ट्रा कहीं अंदर जाते हैं तब आपको भंसार के साथ साथ यातायात भी कराना पड़ेगा। ये नेपाली 550 का नेपाली 550 इंडियन 350 का इंडियन 350 ठीक है चलो हो गया। अभी हम हर जगह जा सकते हैं ना कहीं भी चलिए। यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए यातायात नाम कोई चीज़ होती है क्या लिखा है इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में नहीं इंग्लिश में क्या तो लिखा हुआ है तो नहीं ये तो उसकी भाषा की यातायात व्यवस्था कार्यालय से कुछ एक रिसिप्ट लेनी पड़ती है जिसमें मुझे अनुमति दिया गया है कि आप नेपाल में पूरे नेपाल में ना गाड़ी चला सकते हैं। किधर पड़ेगा? तुम्हें हिंदी नहीं जानते? नहीं जानते? हिंदी नहीं जानते? इंग्लिश जानते? नहीं। हिंदी आओ छो? ओके तो किधर पड़ेगा कर्णाली? कर्णाली उधर। किधर? उधर। कितना दूर? छोला सर, तेरी छोला था बर मुकाचे ना? हाँ?
सीधे जाएं या टर्न लें किधर? सीधे जाएं। सीधे जाएं? कितने दूर बाद टर्न लेना है? उता को सोच सोच दो ना उता। ठीक है, वो तो ओके। ओके। उधर जाके पूछ लें। ओके ओके, थैंक यू मैडम। करनाली किधर पड़ेगा? हाँ जी, करनाली लेफ्ट। कितनी दूर तक जाना है आगे? 45 किलोमीटर। स्ट्रेट जाना है सीधा? ओके ओके, थैंक यू। कर्णाली तो अझै छ, यति दूर छ। अगाडि नै छ, धेरै अगाडि छ। कितने किलोमिटर? कतना होला कति मन त्यस्तो थाहा भएन। कति हेर्दै कर्णाली? बबै 16 अनि कर्णाली 16 किलोमिटर छ। बबै 16 किलोमिटर। बबै 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 के? यस्तै पुल गुईहरू हुन्छ नि। अच्छा, पुल है बबै। ओके ओके, त्यसको अगाडि। उसके बाद कर्णाली कति दूर है? था भएन भाइ, यतिको त मलाई हुन्छ। बुबैको पता उसके आगे है ना, उसके आगे ना। सासी तो मेरा दिल खुश हो गया। यहाँ से 16 किलोमीटर बबई है। बबई के कुछ किलोमीटर के बाद क्या ये है? चीसा पानी। चीसा पानी? शीशा? शीशा नहीं है, चीसा है। चीसा है? चीसा पानी। अभी हमने क्रॉस किया है बार बर्दिया पोस्ट को और इसके बाद 11 किलोमीटर बचा है बबई। वो देखो क्रोकोडाइल। हां क्रोकोडाइल, चलता रहा, तू चलता रहे। देख वो देख, कितने भरे हैं क्रोकोडाइल। कितने सोने यार, अब तो समझ नहीं। वो देख बैठे क्रोकोडाइल। हाँ देखा देखा। नहीं कोई नहीं। अभी जो हमें ये पीछे पुल मिला है ना, उस नदी पर हम लोगों को बहुत सारे क्रोकोडाइल नजर आए। हाँ, हमको जो फर्स्ट टाइम और फर्स्ट एनिमल इस जगह पे मिला है वो क्रोकोडाइल। शेर की फोटो।